लिफाफे में तो पैसे ऐसे छुपाए हैं जैसे मुंह दिखाई में मिले हों। अब देखो हो गया कांड, फोटू सेठ जी के हाथ लग गए, गई भैंस पानी में। मम्मी क्या बना रही हो खाने में है? ये बता तुझे क्या खाना है। अरे यार मैं ना हलवा खाने का मन हो रहा है बड़ा ज्यादा। हलवा बना दो यार। सूजी का बनाना हलवा। हलवा अब तो हलवा उस टंटन का बनेगा। क्या अब क्या हुआ? अरे देख अपने संस्कारी नौकर के संस्कार, बड़े अदब के साथ जो है वो चोरी कर रहे हैं। देख देख मेरा चक बिल्कुल सही था। देख ले अब देख ले। पापा ये गौर से देखिए इन तस्वीरों को। मतलब कोई चोरी करते वक्त थोड़ी ना ऐसे पोज मारेगा चोरी करने का, फोटो खिंचाएगा। व्हाट रबिश। आजकल के लौंडों को ना जानती। अरे इनका बस चले तो खेतों में लोटा लेकर बैठे हैं और अपनी सेल्फी ऐसे करके खींचे ऐसे। अपनी सेल्फी को ही देख ले, उसके हाथों में तो ऐसा लगता है जैसे उसकी उंगलियों में मोबाइल उगे आया हो। पर पापा वो बात अलग है और ये चोरी की फोटो खिंचवाना बहुत अलग है यार। ये तू तो ऐसा कह रही है जैसे तूने अपना कोई गैंग बना रखा है। पिंकी दरोगा ने मुझसे कहा था कि कुछ अपराधियों को शौक होता है कि अपने अपराध की फोटो खींच के अपने घर में फ्रेम करके सजाते हैं, जैसे शरीफ लोग अपनी मेडल और ट्रॉफी सजाते हैं वैसे। क्या बोल रहे हो? जीजा जी की शक्ल देख के नहीं लगता कि वो ऐसे आदमी होंगे। अरे शक्ल पे मत जा, इसकी हरकतें आजकल बहुत बिगड़ी हुई हो गई है। तनख्वाह तो पूरी पड़ती ना होगी इसे। मतलब गोलचा सिनेमा गया था 3 से 6 का शो देख ले, मुझसे झूठ बोल के। अब भूल बोल, अब बोल पापा। पापा अच्छा मेरी बात सुनिए, मैं समझाती हूँ आपको। हो सकता है जो इस तस्वीर में दिख रहा हो वो सच ना हो, है ना? हो सकता है कोई बदमाश है जो जीजा जी को, मतलब प्यारे भोले जीजा जी को फंसा रहा हो। अरे फंसे तो हम हैं इसके चक्कर में ना। मैं इस घटिया आदमी से कहूंगा कि कल ही तुझे नौकरी से निकाल ले बस। क्या? अरे पहले से ही मैंने अपने घर में जो है एक नेवला पाल रखा है, अब सपोला ना पलने दूंगा मैं ना। मेरी बात तो सुनिए, आप तो जानते हैं ना जीजा जी को, आज तक उन्होंने इधर का पैसा उधर नहीं किया। आपको तो सब कुछ। एक मिनट, इंसान और मौसम पे कभी विश्वास ना करना चाहिए, ना जाने कब बदल जाए। अब इसको देख ले, एक झटके में सारा काम कर गया ये। मैं ऐसा कहूंगा देख मैं अपनी दुकान खुद ही देख लूंगा, अपनी दुकान खुद ही खोलूंगा, अपना काम खुद ही करूंगा बस। कल ही तू रवाना हो जाए यहाँ से, मुझे तुझसे कोई मतलब ना, ऐसा कहूंगा बस। चुप रह, बात खत्म। अरे पर एक ना कुछ ना, कोई ना सुनना मुझे बात। मम्मी आपको सच में इतना दुख हो रहा है कि जीजा जी यहाँ से जाने वाले हैं? ना एक बात है, मैं कैसे बोलूं? बोल दो क्या बोलना है। मुझे ना पंचम के लिए बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि उसने ये चोरी ना की। तो किसने की है? तेरे मामा ने। चोरी तेरे मामा ने की है और मैं एक बहन होने के नाते अपने भाई के खिलाफ कैसे बोलूं? इसलिए पंचम को इसकी सजा भुगतनी होगी। मेरे तो भाग ही फूट गए, लाइफ में टंटे हो रखे हैं। चटन घीवा मुखी। क्या सेठ जी के हाथ वो फोटोज लग के? अब तो पक्का मेरी नौकरी गई। ऐसे कैसे गई नौकरी गुगू? जब तुमने चोरी की ना तो डरते क्यों? अबे साले अब हमारे कहने का मतलब ये है कि बुबू उन फोटो से तो यही साबित होता है ना कि हम चोर हैं। आराम से जीजा जी, डोंट वरी, अरे असली चोर का पता लग गया है। मम्मी ने अभी भी मुझे बताया, चटंकी मामा ने चोरी की है यार। क्या? हे राम, बताओ इतने घटिया नीच इंसान निकले कि अपने घर की तिजोरी पे हाथ साफ कर दिया। बड़े लिचड़ एकदम से बता रहे। अरे ओ एक मिनट पिन आप क्या समझाइए इन्हें, कंट्रोल करें, मामा है मेरे। सॉरी 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 लाइसी जी, हम अपनी पत्नी की तरफ से आपको सॉरी बोलते हैं। चुप रहो ना बुबू, चुप रहना। सॉरी इलायची जी,
आपसे एक दरख्वास्त थी, प्लीज हाथ जोड़ के आपसे विनती कर रहे हैं, प्लीज सेठ जी के पास चलिए और उन्हें सब कुछ सच बता दीजिए। एक मिनट, इतना आसान होता ना तो मैं आप सबके साथ ना यहाँ पंचायती नहीं करी होती, पापा के सामने खड़ी होती। और मम्मी ने तो ना डायरेक्टली बोल दिया यार, इस बारे में ना वो पापा को कुछ भी नहीं बोलने वाली है। एलाइची जी क्या करें, हम आंटी जी के पैर पकड़ लेते हैं जाके। अरे उनके पैर पकड़ने से अच्छा है ना चटंकी मामा का गला पकड़ के ऐसे घुसन तो फेलेंगे ना, सब सच्चाई उगल देंगे। भाभी मेरे मामा ने ना आधी से ज्यादा जिंदगी ना पुलिस के डंडे खाते हुए गुजारी है, अब बोलिए तो करें क्या। गुगु मैं अपने हुस्न की दादू से उनका मुंह खुलवाऊं। बुबू उनका मुंह खुलवाना है, डराना नहीं है। पिट्टू भाभी आपकी बेइज्जती होने वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। जीजा जी जी देखिए घबराइए मत, पासी अभी भी हमारे हाथ में है यूं। अच्छा कैसे? ओहो यार जीजा जी जो लड़की अभी आपके सामने खड़ी है ना उसका दिमाग इतना चलता है ना कि उसने बड़े बड़ों को चक्कर उड़ा के रखा हुआ है। अब आप देखना मैं खुद मामा के मुंह से ना उनका गना कबूल करवाऊंगी, बड़ा मजा आएगा। अच्छा भाई एक नंबर की फेंकू लड़की है, कतई यकीन नहीं है इस पर। भाई एक नंबर का डरपोक लड़का है, कतई नहीं बचाएंगे पुलिस से, मैं तो कह रही हूँ इसे अंदर करा देते हैं। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? तो आप कैसी बातें कर रहे थे? दोबारा ऐसा बोला ना कि आपको मुझ पे यकीन नहीं है तो इससे भी डरावनी बातें कर सकती हूँ मैं। सॉरी सॉरी इट्स ओके छोड़ना भाई। एवरीबॉडी आप देखना लाइफ में टंटे हो रखे हैं चटंकी मामा की। हेलो मुरले अपना 3 महीने का हिसाब किताब चुकता और बच्चों को एडवांस में रख ले, चल फटाफट। वाह क्या बात है मामा, एकदम कड़क नोट, लॉटरी लगी है। इलायची बेटा कुछ ऐसे समझ ले भैया। बहुत बढ़िया, वैसे चोरी चकारी का बिजनेस कैसा चल रहा है? इलायची तेरा मामा कोई चोरी चकारी ना करता, मेहनत मजदूरी करता, कैसी बात है करती बच्ची। रियली तो एक काम कीजिए मेहनत मजदूरी का जो मेहनताना है ना कैश में मत लेना यार। मतलब? मतलब ये कि भूख लग रही है यार मुझे, खाली पेट ना मुंह से आवाज नहीं निकलती। कैसी बातें कर रही है मेरी बच्ची, मुरली ऐसी बात ही कर रहा है, हमारी बच्ची भूखी प्लेट लगा बात कर रहा है। लेकिन बेटा तू कहना क्या चाह रही है हम समझ ना पा रहे हैं। सुनो हाँ। मैं ना पिंकी अंकल और पापा को बात करते हुए सुना था, वो नए सीरीज के ना कुछ नोट जारी हुए हैं जिसमें ना ऐसे अंदर चिप लगी होती है। चिप लगी होती है? कैसी चिप? अरे चोरों को पकड़ने वाली चिप। देखो जिसके पास भी ये सीरीज के नोट होते हैं ना उनको आराम से ट्रैक कर सकते हैं। और मजे की बात तो ये है कि पिंकी अंकल पिछले हफ्ते ही ना पापा को 2,500 के ऐसे ही नई सीरीज वाले नोट दे गए थे, तभी तो पापा एकदम मस्त तसल्ली से रहते हैं। आपने नोटिस नहीं किया कभी? हाँ तसल्ली से तो रहते हैं मगर क्यों? ओहो वो इसलिए क्योंकि उनके पास वही चिप वाले नोट हैं। देखो अगर किसी चोर ने वो नोट चुराए तो वो यूं पकड़ा जाएगा उस चिप की वजह से। तभी तो एकदम मस्त घोड़े बेच के सोते हैं पापा। तिजोरी और इनका गल्ला ऐसी खुला छोड़ के। इलायची बेटा अगर किसी ने गलती से चोरी कर ली हो तो? मामा प्लीज गलती से तो कोई चोरी नहीं करता है। और ऐसे चोरों के लिए ना पिंकी अंकल ने खतरनाक जेल बनवाई है, लेकिन उसे अंदर क्या करेंगे ये नहीं बताया। पर वो विलन वाली स्माइल पास कर लेता से वाह टाइप्स। तो सुनो मेहनताने में कैश मत लेना, इलेक्ट्रॉनिक्स और ज्वेलरी ये सब चलेगा लेकिन कैश नो नो। चलो वेरी गुड। हाँ मैं चलती, पढ़ाई करनी है बहुत ज्यादा। ओके बाय। हाँ चिप कहाँ लगी होती चिप भैया? इलायची के पापा मैं ये बोल रही थी कि गरीब आदमी के पेट में लात मारने से क्या होगा, मत निकालो ना नौकरी से उसे। और उस
गरीब ने जो मेरे भरोसे पे लात मारी है वो ना दिखाई दे रहे तुझे? अरे आज 4,500 रुपए चुराए, कल 4.5 लाख चुराएगा और परसों 4.25 करोड़। ये 4.25 करोड़ आएंगे कहाँ से आपके पास? कुछ भी कुछ भी। इतना दिमाग तू जो है मेरी बातें पकड़ने में लगा रही है ना, उससे आधा भी दिमाग अगर तू अपनी पढ़ाई में लगाती तो आज IAS ऑफिसर होती। बात कर रही है बेकार की। अरे ये कहाँ का टॉपिक कहाँ ले जा रहे हो यार? नॉट फेयर पापा। तो ठीक है, वापस टॉपिक पे आता हूँ। आज इस दमदम की आखिरी रात है, कल सुबह होते ही मैं उसे हजर रवाना कर दूंगा। पापा दमदम नहीं, पंचम। अरे जब पुलिस के हत्थे चढ़ेगा ना और उसकी जो दना तन पुलिस वाले कुटाई करेंगे तो उसकी दम निकल जाएगी बस। आए, आए। अरे क्या हुआ छटंगे भैया, सब ठीक तो है? दीदी मैं क्या कह रहा था, मेरे एक रिलेटिव पे बहुत बड़ा पोस्ट है, अगर तुझे ना बताऊंगा तो मन ना मानेगा मेरा। ओए होए वाह क्या बात है, है? ना तू कोयल ना तू मैना, फिर अपनी आवाज में इतनी मिश्री क्यों घोल रखी है तूने? अबे शुगर हो जाएगी मुझे, बता बात क्या है? दीदी मैं ये कह रहा था, कल रात ना गलती से मैंने तेरे गले से 4,500 रुपए निकाल लिए थे। Oh my God! मतलब चोरी आपने की थी मामा? नहीं नहीं जी बेटा, मेरा मन ना था चुराने को, वो तो कहो मैं अपनी भावनाओं पे काबू ना कर पाया। अबे अभी मेरा हाथ जो है अपनी भावनाओं पे काबू ना कर पा रहा है, समझ रहा है तू? तुझे अपने घर में चोरी करते शर्म ना आई? देख जीजा तू तो जानता है कि शर्म वरम से मुझे कोई लेना देना तो है नहीं, बस मुझे लगा कि अपने घर में चोरी करना पाप है तो मैं ये पैसे तुझे लौटा रहा हूँ। ले अबे ये 4,000 है, 500 कहाँ गए? देख जीजा 500 में मुझसे खर्च हो गए। जीजा साफ सी बात है कि मैं अपना जुर्म कबूल कर रहा हूँ, समझ गए, और तेरे पैसे भी लौटा दिए, पुलिस के चक्कर में मत पड़ जाइयो। ना ना उसकी तो फिक्र मत कर, मैं पुलिस के हाथों तुझे ना दूंगा। थैंक यू। अबे पेड़ से उल्टा लटका कर तेरी सुताई करूंगा बता रहा हूं मैं, तेरे चक्कर में मैं उस बर्तन को नौकरी से निकाल लिया था, वो तो अच्छा हुआ कि मैंने ना निकाला उसे। अरे तो क्या हुआ, 500 रुपए तो खर्च किए यार मेरे, हाथे कमाते दे देंगे? अरे अरे मैं भी ना कसम से कह रहा हूँ, कैसा आदमी हो यार मेरे, खाने से याद आया बताओ तो। जी जी तेरी जान की कसम खा के कह रहा हूँ, बहुत जोर की भूख लगी है, क्या बनाया है खाने में? फटाफट लेकर तो फट 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 चल। मूंगफली खा लो। अरे टंटन, ओ टंटन। अबे पंचम सॉरी। आए सेठ जी। जी सेठ जी सॉरी सॉरी सेठ जी, कुछ काम था सेठ जी। देख मुझे मुझे माफ कर दे, मैंने तुझ पे शक किया। आप हम समझे नहीं सेठ जी। देख मेरे 4,500 रुपए जो चोरी हुए थे ना, मैं ये सोच रहा था कि तूने उड़ाए हो। नहीं सेठ जी, हम ऐसे इंसान नहीं है, हमने आज तक जिंदगी में किसी के 4.5 रुपए तक नहीं उड़ाए। ना ना 4.5 तो तू उड़ा सकता है। नहीं सेठ जी वो मैं तेरी तनख्वाह से काट लूंगा। नहीं सेठ जी हम बिल्कुल भी ऐसे इंसान नहीं है, ये हमारे उसूलों के खिलाफ है, ऐसे ही तो शुरू होता है सेठ जी, 4.5, 450, 1,00,000 फिर 1 करोड़, धीरे धीरे आदमी इसी तरह से तो चोर बनता है। ठीक कह रहे हैं जीजा, मैं भी तो ऐसे चोर बनाता है। जीजा जी वो क्या है ना कि पापा को लग रहा था कि चोर आप है, लेकिन ऐसी चोरी ना मेरे मामा ने की थी यहाँ पे। और मामा भी इतनी स्वीट है ना कि खुद आके अपना जुर्म कबूल कर लिया। मामा सब प्राउड ऑफ यू। ये लो मूंगफली हो यार इसी वक्त पे। ला ला भैया खा मूंगफली। मंथन पंचम जो भी है मुझे माफ कर दे। सर जी प्लीज आप हमें शर्मिंदा मत कीजिए, हम किस बात की माफी देंगे आपको, आप हमसे बड़े हैं सेठ जी, प्लीज हम चलते हैं। खुश रहे टीचर जी।
गुड नाइट. गुड गुड नाइट. गुड नाइट आंटी जी. गुड नाइट मामा जी. हाँ गुड नाइट. ओ भाई दिल्ली की कड़ाके की ठंड वापस आ गई. अरे भाई सुन, वैसे इलायची जी ना किसी प्यास से कम नहीं है यार. जितनी परतें निकालो उतना रोना आता है. नहीं अबे अब तो थोड़ा बत्ती सी दिखा दे. हैं थोड़ा हंस ले, मुस्कुरा ले. अबे इतनी बड़ी मुसीबत से खींच के निकाला इलायची जी ने तुझे. सही कह रहे भाई. वैसे ना मुझे इस बार लगा था कि आगरा की टिकट कटानी पड़ेगी भैया, और पता नहीं यार इलायची जी कहाँ से संकट मोचन बन के आई और बीच में कूद पड़ी. भाई पूरे चांदनी चौक उन्होंने उंगली नचा के रखा है, हर जुगाड़ है उनके पास. सही कह रहे भाई. और क्या चिपाला आइडिया निकाला भाई, मतलब कमाल यार. और साला छटंकी मामा खुद पहुंच गया भाई गुनाह कबूल करने के लिए. चल ज्यादा खुश ना हो, जाके इलायची जी को धन्यवाद बोल के आ. लेकिन ना उनसे दोस्ती बना के रखेगा तो मुसीबत में काम आएंगी. अबे ओए अब कौन सी मुसीबत आने वाली है साले मनहूस. अबे मुसीबत बोल के आती है, कभी भी अटपकेगी. और तेरी किस्मत इतनी मनहूस है भाई कि कभी बीमारी ले लेगी. तो कोई तो होना चाहिए यार हमारा संकट मोचन, मतलब नैया खेने वाला. सही कह रहे भाई. वैसे यार इलायची जी को ना मैंने कुछ ज्यादा ही गलत समझ लिया. नहीं मतलब शरारती है यार, पर सही है, समझ रहा है. हाँ हाँ सही है. हाँ मतलब मेरे को भी लग रहा है सही है. जा जा धन्यवाद बोल के. हाँ सही है. मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट. थैंक यू ब्रो. ब्रो थैंक यू. हाँ अब ऐसे बोलते हैं थैंक यू. इसको टीवी में भी देखा था ना उसने. हाँ कौन है ये. इसके इयररिंग्स मेरे पास सेम है ऐसे वाले, मुझे नहीं पता कौन है. ये घड़ी कितनी प्यारी है यार, ये वाली लेनी है मैंने. प्रणाम इलायची जी. प्रणाम. अब अंदर आइए ना. नहीं नहीं हम यहाँ पे ठीक हैं. अरे आ जाओ यार. हेलो सुनीता जी, आप इलायची जी वो हम आपको धन्यवाद कह रहे हैं. आपने हमें इतनी बड़ी मुसीबत से जो बचा लिया. नीलू जीजा जी को मुसीबत से बचाने वाली सेल्फी. अरे आप भी आओ ना. नहीं नहीं. अरे आओ ना यार आप. क्या कहा था मैंने कि मेरे होते हुए ना आपका कोई बाल तोड़ भी नहीं कर सकता. लाइसी जी बाल तोड़ नहीं, बाल बाका कहते हैं. हाँ भाई. वैसे इलायची जी जब हमने आपको पहली बार देखा था ना तो हमें ऐसा लगा था कि जैसे कि आप खाई में धकेलने वालों में से हैं आप. पर आपने हमें गलत साबित कर दिया. वो आपने हमें खाई में रस्सी फेंकी ना और हमें बचा लिया. धन्यवाद. और इलायची जी इसीलिए हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं. तो फिर कल मूवी चले है जी. इलायची जी आपका किडिंग हमें डराइंग. तो आप सॉरी हम निकलते हैं. आपको डिस्टर्ब कर दिया होगा. नहीं नहीं इलायची जी हम दोबारा से आपको कहना चाहते हैं हम तहे दिल से आपके शुक्रगुजार हैं. प्रणाम इलायची जी. प्रणाम. प्रणाम सुनीता जी. गुड नाइट जी. गुड नाइट. तो हम चलते हैं. ओके बाय. ओके क्यूटी जीजा जी. यार क्यूटी व्यूटी का भर में तुझे पता है इस बार तो मुझे लग रहा था तेरा स्टन पक्का उल्टा पड़ेगा. फिर अंकल जी जब फोटो देख रहे थे ना तो मुझे तो लगा जीजा जी कई काम से. सुनो मेरी जान इलायची के होते हुए कहानी में ट्विस्ट ना है, ऐसा हो सकता है क्या. लेकिन तू क्या कमाल की फोटो खींची यार तूने, मतलब जैसे जैसे बोला वैसे तूने इंस्ट्रक्शंस फॉलो किए, मतलब कमाल, मतलब दिल जीत गया तेरे मेरा. सच्ची इसका मतलब है कि मैं प्रोफेशनल फोटोग्राफर बन सकती हूँ. मेरी प्रोफेशनल फोटोग्राफर बनने वाली सेल्फी. जी हाँ हम. <clears throat>
ये क्या बदतमीजी है इलायची जी, ये घटिया प्लान आपका था? क्यों फंसा रही हैं आप हमें? नहीं, मेरी बात तो सुनिए। नहीं, हमें आपकी कोई बात नहीं सुननी है, प्लीज। पहले भी हमें आपसे कोई खास उम्मीद नहीं थी और अब आप हमारी नजरों में और नीचे गिर गई। सीरियसली, इनको खनखजूरा बन के हमारी बातें सुनने की क्या जरूरत थी? दिल तो चाह रहा है कि इनकी ना मैं एक मिनट ठंड रख, शांत हो जा यार। वो गुस्से में है इसीलिए इतना कुछ बोल गए। और यार जीजा जी की हताश भी तो गई हुई है ना इलू, वरना अगर होश में होते तो मजा आता तेरे सामने मुंह खोल देते। हटे यार, इनके गुस्से की ऐसी की तैसी तू गई। तू देखना सुनू, मैं दीना इनके दिल पे तब तक नॉक करती रहूंगी जब तक ये मुझे खुद एंट्री नहीं देते। देखती हूँ लाइफ में ठंड क्यों रखे जीजा जी की।